हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विवेक एंड आज हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स का लेक्चर 2 है, जिसमें हम आज 8 टॉपिक्स पढ़ेंगे। 8 टॉपिक्स में से है, फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट नोट, हम जानेंगे कॉन्टैक्ट नोट क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट डेट एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP। उसके बाद है प्री मार्केट ओपनिंग सेशंस। उसके बाद है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स एंड गैप अप एंड गैप डाउन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट एंड एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब हम किसी भी कंपनी के फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं, न्यू शेयर मार्केट में आते हैं, उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जैसे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था कि कोई व्यक्ति राम, उसने कोई भी कंपनी फॉर्म की है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो जब भी वो उसका IPO लेके आएगा तो वो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होगा। अ कंपनी कम्स अप विद एन IPO, प्राइमरी मार्केट में ही उसका IPO आता है। प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग डायरेक्टली बिटवीन होती है इश्यूअर कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में होता है, क्योंकि जो भी कंपनी अपना IPO लेके आएगी वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को ही शेयर्स इशू करेगी। अब आते हैं हम सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट को हम बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, NSE एंड BSE। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग दो इन्वेस्टर के बीच में होती है। जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है किसी भी कंपनी के शेयर्स में, सेकेंडरी मार्केट में ही होती है। अब जैसे कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, अपना IPO लेके आ चुकी है, तो उसके बाद जो भी शेयर्स ट्रेड होंगे, कोई भी बाय करेगा तो एक दूसरे इन्वेस्टर से बाय करेगा। जैसे आप कोई भी शेयर्स बाय कर रहे होंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर शेयर्स सेल कर रहा होगा, तभी आपको वो शेयर्स बाय करने को मिलेंगे। सेकेंडरी मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट होता है FPO का। जैसे कि कोई कंपनी है वो अपना IPO लेके आ चुकी है, लेकिन उसे और मार्केट से पैसा और ज्यादा उठाना है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं रुचि सोया का। रुचि सोया के शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन रुचि सोया को और पैसा मार्केट से उठाना है ताकि वो अपना जो भी डेब्ट है वो उसे चुका सके, अपना जो भी कर्ज है वो उसे चुका सके। तो वो अपने और शेयर्स मार्केट में डाइल्यूट करेगी, तो वो अपना FPO लेकर आ रही है। FPO होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कंपनी इशू करती है, जब भी IPO के बाद नेक्स्ट शेयर इशू करती है उसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। जो भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो दो इन्वेस्टर के बीच में होता है, जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि एक इन्वेस्टर सेल करता है, दूसरा इन्वेस्टर बाय करता है। लेकिन आपको कभी ये भी नहीं पता चलेगा कि आप किससे बाय कर रहे हैं और आप किसको सेल कर रहे हैं, ये डेटा सिर्फ NSE एंड BSE के पास ही होता है। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि है कॉन्टैक्ट नोट। कॉन्टैक्ट नोट एक रिसिप्ट की तरह होता है, जो कि एक ब्रोकर के थ्रू इशू होता है इन्वेस्टर को। ये मैंडेटरी होता है हर ब्रोकर के लिए कि वो आपको कॉन्टैक्ट नोट भेजेगा थ्रू ईमेल। आपके ईमेल में कॉन्टैक्ट नोट आता है जब भी आप कोई शेयर को बाय या सेल करते हैं। ये सेबी की तरह से रूल है कि हर ब्रोकर को कॉन्टैक्ट नोट भेजना होता है अपने इन्वेस्टर को। जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है उस ब्रोकर के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट नोट आपके ईमेल में आ जाएगा। आप ईमेल खोलेंगे, वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नोट दिया होगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर पासवर्ड मांगेंगे, जो कि आपका पैन कार्ड होता है पासवर्ड। उसको ओपन करने के बाद आप वहां पर चेक कर सकते हैं क्या क्या डिटेल दी होती है। मैं आपको बताता हूं कि कॉन्टैक्ट नोट में क्या क्या डिटेल्स दी हुई होती हैं। कॉन्टैक्ट नोट में आप जो भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं उसका नाम होता है, जितनी भी क्वांटिटी में आप सेल करते हैं या बाय करते हैं वो दी होती है, किस प्राइस पे आपने बाय किया होता है और किस टाइम पे आपने बाय किया होता है, ये सारी डिटेल्स आपके कॉन्टैक्ट नोट में दी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सेटलमेंट डेट। जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि T+2 का सेटलमेंट साइकिल चलता है। सेटलमेंट डेट क्या होती है? ये वो डेट होती है जब भी जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आपके दो वर्किंग डेज के बाद ही सेटल्ड होता है। जैसे आपने कोई भी शेयर्स बाय किए हैं तो आपके दो वर्किंग डेज के बाद ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। जैसे आपने सपोज कर लीजिए मंडे को शेयर्स बाय किए, तो आपकी जो ट्रेड डेट होगी वो मंडे की होगी, और उसके बाद आपके ट्यूजडे और वेडनेसडे आपके टू वर्किंग डेज होंगे, और उसके बाद थर्सडे को आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे कि अब आप सपोज कर लीजिए आप फ्राइडे को शेयर्स बाय करते हैं, तो फ्राइडे आपकी ट्रेड डेट हो गई, और उसके बाद जो भी होगा सैटरडे संडे ऑफ होता है तो वो वर्किंग डेज में कंसिडर नहीं होगा, तो आपके टू वर्किंग डेज जो भी होंगे वो होंगे मंडे एंड ट्यूजडे। तो जो भी आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो होंगे वेडनेसडे को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है? ये वो प्राइस होता है जो शेयर्स के लास्ट में बिल्कुल एट द एंड में ट्रेड होता है। जैसे मार्केट 3:30 को क्लोज हो गया, तो जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुई होगी वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा जब तक मार्केट नहीं ओपन होता है। अब जब जैसे मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, तो जिस प्राइस पे मार्केट अपडेट होता रहता है बार बार, वो आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। जो भी रिसेंटली ट्रेड हुआ होता है प्राइस, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। जैसे आप कोई भी शेयर्स बाय करते हैं और सेल कर देते हैं, तो उसके बाद वहां पर LTP लिख के आया होता है नीचे। किसी भी आप ब्रोकर में देखें LTP लिखा हुआ होता है, वो अपना लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाता है।
जो भी करंट में अपडेट होता रहता है वो वहां पर शो होता रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्री ओपनिंग सेशन। ये प्री मार्केट ओपनिंग सेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स पढ़ना चाहूंगा, जिससे आपके लिए थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाए। तो हम आते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद 4 बजे के शाम के बाद से सुबह अगले मॉर्निंग में 9 बजे तक सुबह जो भी ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में आते हैं। इस टाइम पे आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपका 9:15 में नेक्स्ट वर्किंग डे में जब भी मार्केट ओपन होगा तब एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर की वजह से जो शेयर के प्राइस में होता है काफी इफेक्ट होता है जब वो ओपन होता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर की वजह से जो भी मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट डे पे ओपनिंग पे, तो उसके शेयर प्राइस में काफी इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद 4 बजे से लेकर 9 बजे सुबह अगले सुबह 9 बजे तक काफी सारे लाखों करोड़ों ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस में जब भी ओपन होता है काफी चेंज हो जाता है। ये काफी रेयरली पॉसिबल होता है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों की सेम ही हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई कभी भी मैच बिल्कुल मैच नहीं करती है। अब हम समझते हैं कि ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर लोग कौन लोग प्लेस करते हैं। जैसे कि आप जॉब करते हैं, आपके जॉब में ट्रेडिंग वगैरह अलाउ नहीं होती, काफी जॉब होती है जैसे, तो जो भी बंदा है वो अपनी जॉब करके वापस आता है उसके बाद वो मार्केट देखता है कितना डाउन गया अप गया, तो उसको जो भी शेयर्स बाय करने होते हैं वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर AMO में लगा के प्लेस कर देता है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं जो हमने टॉपिक छोड़ा था प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। ये प्री ओपनिंग मार्केट सेशन 15 मिनट का सेशन होता है जो एक्चुअल मार्केट स्टार्ट होने से पहले बिगिन होता है, इसे हम प्री मार्केट ओपनिंग सेशन बोलते हैं। जो 15 मिनट का मार्केट सेशन होता है ये 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक होता है, जो कि ऑब्जर्व करता है हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट जो क्रिएट होती है आफ्टर मार्केट ऑर्डर की वजह से। जैसे अब मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट का ये जो सेशन है, जैसे अब मार्केट ओपन हुआ अगर ये सेशन नहीं होगा तो AMO की वजह से जो हैवी फ्लक्चुएशन होगी उससे जो रिटेल इन्वेस्टर को काफी लॉस हो सकता है। इस वजह से सेबी ने ये रूल है कि मार्केट एक्चुअल ओपन होने से पहले 15 मिनट का प्री मार्केट ओपनिंग सेशन रखा जाए, जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 9 बजे से लेकर के 9:07 तक आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसमें जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसका जो भी मैचिंग होगा 9:08 बजे से लेकर के 9:11 बजे तक मैचिंग होगी ऑर्डर्स की, जो आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किए होंगे और जो आपने आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में जो भी प्लेस किया हुए होंगे सारे ऑर्डर्स की मैचिंग यहाँ पर होगी, और जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 9:12 से लेकर के 9:15 तक मार्केट काफी स्टेबल हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैप अप। गैप अप क्या होता है? जब भी कोई शेयर प्राइस क्लोज होता है और वो उसके नेक्स्ट डे पे उसके हायर प्राइस पे ओपन होता है तो उसे हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। जैसे सपोज करते हैं कोई शेयर प्राइस आज क्लोज हुआ है 100 पे और वो नेक्स्ट डे ओपन होता है 102 रुपए पे, तो ये जो 2 रुपए का गैप हुआ है इसे हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। अब गैप डाउन क्या होता है? गैप डाउन भी सेम होता है, जब भी कोई शेयर प्राइस अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से लोअर प्राइस पे ओपन होता है उसे हम गैप डाउन ओपनिंग बोलते हैं। इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई की शेयर प्राइस की 100 रुपए क्लोजिंग थी लेकिन वो नेक्स्ट डे ओपन होता है 98 रुपए के समथिंग ओपन होता है, तो जो इसमें 2 रुपए का गैप हुआ है ये गैप डाउन ओपनिंग बोली जाएगी इसको। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप ट्रेडिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।